hello students welcome to ncert exercises solution series so in the previous episode we have finished till question 3.19 here we are going to start from 3.20 onwards so let's start the lecture तो हमारे पास क्वेश्चन है गिवन एन रजिस्टर्स ईच ऑफ रजिस्टेंस आर हाउ विल यू कम्बाइन देम टू गेट मैक्सिमम इफेक्टिव रजिस्टेंस तो बहुत सिंपल है हमारे पास ऐसे क्या है एन रजिस्टर्स है ठीक है इस तरह से हमारे पास एन रजिस्टर्स हैं सबका रजिस्टेंस सबका रेजिस्टेंस जो है मतलब ये कनेक्ट नहीं है ठीक है हमारे पास इस तरह से बहुत सारे रेजिस्टर्स हैं ठीक है इनका जो है सबका रेजिस्टेंस एन है आर है रजिस्टेंस तो इन सबको मैं कैसे कनेक्ट करूँ सो देट आई विल गेट द मैक्सिमम इफेक्टिव रजिस्टेंस तो मैक्सिमम इफेक्टिव रजिस्टेंस निकालने के लिए मेरे को उसको किस में कनेक्ट करना पड़ेगा सीरीज में क्योंकि मुझे पता है सीरीज कॉम्बिनेशन जो है वो मैक्सिमम इफेक्टिव रजिस्टेंस देता है तो आर मैक्सिमम क्या हो जाएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री सो आर प्लस आर प्लस आर प्लस अप टू अपू एन टाइम्स ठीक है एंड टाइम्स तो ये मेरा देगा तो ये कितना हो जाएगा आर मैक्स कितना हो जाएगा एन आर ये मेरा क्या हो जाएगा मैक्सिमम इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस क्यों क्योंकि सीरीज में हमारा रेजिस्टेंस जो है ओवरऑल रेजिस्टेंस वो इंक्रीज़ हो जाता है एंड पैरेलल में हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है ये दो कॉन्सेप्ट याद रखेंगे उसके बाद अगर हमें मिनिमम इफ़ेक्टिव रजिस्टेंस निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा उन सबको किस में कनेक्ट करना पड़ेगा पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा ठीक है अप टू अप टू एन टाइम्स ओके एन टाइम्स तक तो कितना हो जाएगा मेरा आर मीन कितना हो जाएगा एन अपॉन आर वन अपॉन आर मीन इज एन अपॉन आर इसको रेसिप्रोकल करना मत भूलिएगा तो आर मीन क्या हो जाता है आर बाय एन हो गया आर मिन क्या हो गया हमारा मतलब मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया मेरा आर बाय एन हो गया अब मुझे दोनों का रेशो फाइंड करना है तो रेशो क्या हो जाएगा मेरा आर मैक्स अपॉन आर मिन का रेशो ओके okay? सो so, ये मैंने पैनल कॉम्बिनेशन फार्मूला यूज़ किया सीरीज कॉम्बिनेशन यूज़ किया जो इनफैक्ट आप लोगों ने टेंथ स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है सो आर मैक्स क्या होगा मेरा एन आर और आर मीन क्या है आर बाय एन तो आर आर कैंसिल हो जाएगा तो रेशियो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया आर मैक्स और आर मीन का एन स्क्वायर टू वन सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का बी पार्ट गिवन दैट द रेजिस्टेंस वन ओम टू ओम थ्री ओम ओके हमें क्या दिया है ये वन ओम टू ओम थ्री ओम ये तीन रेजिस्टेंस दिए मैं इनको कैसे कनेक्ट करूँ ये मुझे बताना है सो दैट मेरा इक्वल्ट रेजिस्टेंस क्या मिले मुझे इलेवन बाय थ्री ओम मिले तो देखिए हम हमारे पास क्या है वन ओम रजिस्टर है टू ओम रजिस्टर है और थ्री ओम रजिस्टर है तो डेफिनेटली इनको मैं डायरेक्ट सीरीज़ में कनेक्ट करूं या डायरेक्ट पैनल में कनेक्ट करूं तो मेरा रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि डायरेक्ट सीरीज़ में तो करके बिल्कुल नहीं आ रहा और डायरेक्ट पैनल में भी करेंगे वन बाय वन वन बाय टू वन बाय थ्री सो मुझे रिज़ल्ट एलेवन बाय थ्री नहीं मिलेगा तो अब डेफिनेटली मुझे इनमें से किसी को दो को सीरीज में एक को पैरेलल में या एक को सीरीज को दो को पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा तो आप देखिए थ्री है इन दोनों को ऐड करके मुझे थ्री मिल रहा है ना तो इन दोनों को आप पैरेलल में लेके देखिए देखिए पैरल में कॉम्बिनेशन अगर हमें डायरेक्ट निकालना है वैसे तो हमारे पास पैरल का फॉर्मूला क्या होता है वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू बट अगर मुझे डायरेक्ट पैरल कॉम्बिनेशन अगर मुझे पूरा चाहिए इसको एलसीएम लेंगे सॉल्व करेंगे पूरा करेंगे फिर रेसिप्रोकल करेंगे अगर डायरेक्ट अगर हमें लेना है तो मैं इसको डायरेक्ट ये लिख सकती हूँ क्योंकि आप इसको सॉल्व करेंगे आर टू आर टू प्लस आर वन अपॉन आर वन आर टू आएगा उसको सिंप्लीफाई करके रेसिप्रोकल कीजिएगा तो यू विल गेट दिस तो जब भी मुझे पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ करना होगा आई विल यूज़ दिस दिस आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम जब दो रजिस्टर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तब हम डायरेक्टली ये यूज़ कर लेंगे तो मैं क्या कर लूँगी अगर मैं वन ओम और टू ओम को पैरेलल में कनेक्ट करके देखती हूँ पहले क्योंकि मुझे इसका प्लस थ्री मिल रहा है तो ये मुझे कुछ डिनोमिनेटर थ्री मिल जाएगा ऐसा करके क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर थ्री चाहिए ना इसलिए तो इफ़ वन ओम एंड टू ओम को अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट करूँगी ठीक है इफ़ वन ओम एंड टू ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल ठीक है तो उनका इक्वलेंट कितना हो जाएगा मेरा इक्वलेंट कितना हो जाएगा देखिए वन इंटू टू अपॉन वन प्लस टू सो कितना आ जाएगा इक्वलेंट रेजिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा थ्री सॉरी टू अपॉन अब जो ये आया मेरा मैंने इन दोनों को तो यूज़ कर लिया वन ओम एंड टू ओम को अब थ्री ओम के साथ उसको सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं क्योंकि मेरा को डिनोमिनेटर मेरा थ्री ही रहेगा नाउ मेरा अब मैं क्या कह सकती हूँ आर पी और थ्री ओम इन दोनों को मैं सीरीज़ में कनेक्ट कर दूँगी सो so, आप ऐसा लिख सकते हैं नाव आर पी एंड थ्री ओम कनेक्टेड इन सीरीज़ तो कितना हो जाएगा मेरा टू बाई थ्री प्लस तो मेरा ये क्या हो जाएगा ये मैं इसको आर इक्वलेंट लिख लेती हूँ ठीक है प्लस टू प्लस थ्री सो इसको मैं सॉल्व करूँगी थ्री इंटू थ्री नाइन प्लस टू इलेवन इलेवन अपॉन थ्री ओम आ गया और मुझे इलेवन अपॉन थ्री ओम ही चाहिए था तो क्या किया इसमें देखिए हमने सबसे पहले मैं अब इसको अगर सर्किट डायग्राम बना के अगर इन तीनों को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं कह सकती हूँ इसका मेरा फाइनल आंसर होगा कि मैं क्या करूँगी वन ओम एंड टू ओम को किस में कनेक्ट करूँगी सीरीज में कनेक्ट करूँगी और उनका जो इक्वलेंट होगा सॉरी वन ओम एंड टू ओम को पैरेलल में कनेक्ट करूँगी और जो उनका इक्वलेंट होगा उसके साथ जो है ये वाला जो है मेरा थ्री ओम उसको सीरीज़ में कनेक्ट करूँगी तो इसका जो है फाइनल आंसर मेरा ये हो जाएगा ये वन ओम टू ओम मेरा पैरेलल में हो गया और थ्री ओम मेरा क्या हो गया उसके सीरीज़ में हो गया ओके okay? सो so, ये इसका मेरा फाइनल जो है जो मेरा फाइनल सर्किट बनेगा वो मेरा ये हो गया ठीक है ये मैं ये मैंने बॉक्स में बना दिया है सो ये मेरा फाइनल सर्किट हो जाएगा अच्छा उसी तरह से इलेवन बाय फाइव लाना है फाइव तो फाइव इन दोनों को ऐड करके हो रहा है तो देख लीजिए पहले इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर लीजिए तो कितना आएगा आपका इन दोनों में को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो सेकेंड पार्ट ठीक है सो so, अगर हम इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो आर पी क्या हो जाएगा अगर टू ओम और थ्री ओम को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ठीक है सो so, टू इंटू थ्री अपॉन टू प्लस थ्री मैंने ऐसा क्यों किया क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में फ़ाइव चाहिए था ठीक है और सिक्स अपॉन फाइव तो ये क्या आ गया मेरा सिक्स अपॉन फाइव आ गया अब मेरा आर इकुलट जो मेरा ये आया इसको मैं वन ओम क्योंकि मेरे पास टू एंड थ्री तो मैंने यूज कर लिया वन ओम बचा तो वन ओम के साथ मैं पैरेलल में कनेक्ट कर लूँगी तो मेरा इलेवन बाई फाइव ओम आ गया तो इसके लिए मैं कैसे सर्किट डायग्राम बना सकती हूँ इसके लिए मैं क्या करूँगी मेरे पास टू ओम और थ्री ओम जो है वो पैरल में है और उसके साथ मेरा जो है वन ओम मेरा सीरीज में हो गया ठीक है तो इसके लिए जो मेरा फाइनल सर्किट डायग्राम वो कैसा हो गया इस तरह से हो गया कि टू ओम एंड थ्री ओम को मैं क्या करूँगी पैरल में और वन ओम उसके साथ सीरीज में थर्ड पार्ट तो बहुत सिंपल है आर इक्वलेंट आपको कितना चाहिए सिक्स ओम चाहिए सिक्स ओम करने के लिए तो सबको सीरीज़ में कनेक्ट कर दीजिए देखिए वन प्लस टू प्लस थ्री सिक्स ओम आ जाएगा तो इसके लिए आपको क्या कहेंगे आप तीनों को इसमें सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे वन ओम टू ओम और थ्री ओम इन तीनों को हम क्या कर देंगे सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे सो ये मेरा जो बॉक्स के अंदर मैंने किया है वो हमारा क्या हो जाएगा इसका इक्वलेंट हो जाएगा कि सिक्स होम लाने के लिए तीनों को सीरीज़ में इसमें वन टू को पैरेलल में थ्री को देन सीरीज़ में टू थ्री को पैरेलल में वन को सीरीज़ में और इसमें तीनों को सीरीज में एंड फोर्थ पार्ट ठीक है सिक्स बाय ट्वेल्व लाने के लिए हमें क्या करना है तीनों को ही पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए वन बाय वन वन बाय टू वन बाय थ्री ओके सो तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे सो व्हाट यू विल गेट हेयर सिक्स और ये आपके पास हो जाएगा सिक्स प्लस थ्री प्लस टू ओके इलेवन अपॉन सिक्स ये वन बाय आर पी आया सो देअर फोर आर पी क्या हो जाएगा हमारा सिक्स बाय इलेवन ओम जो कि हमें चाहिए था सिक्स बाय इलेवन तो फोर्थ पार्ट के लिए मैं क्या करूँगी तीनों को ही पैरेलल में कनेक्ट कर दूंगी ओके तीनों को हम क्या करेंगे पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे वन ओम टू ओम और थ्री ओम तो ये मेरा इसके लिए जो होगा इस वाले के लिए फोर्थ का सोल्यूशन के लिए मेरा ये सर्किट डायग्राम हो जाएगा तो इस तरह से चारों को आप सर्किट डायग्राम के थ्रू भी शो कर सकते हैं और इस तरह से वर्किंग के थ्रू भी निकाल सकते हैं कि इनका इक्वलेंट 11 बाय थ्री हो रहा है इसका इक्वलेंट इलेवन बाय फाइव हो रहा है इसका सिक्स हो रहा है और इसका सिक्स बाय हो रहा है सो so, ट्वेंटी का सी पार्ट देखते हैं डिटरमाइन द इक्वलेंट रजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क शोन इन दिस फिगर फिगर इसमें फर्स्ट फिगर figure, दो फिगर्स दी हुई हैं बुक में तो अभी हम फर्स्ट देखते हैं तो हमें इसका इक्वलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो अब इसको देखेंगे कि ये हमारे पास क्या है ये हमारी फोर सेम यूनिट्स हैं अगर मैं इसका एक यूनिट्स देखूं तो ये फोर सेम यूनिट्स हैं जो कि मेरी किस में कनेक्टेड है सीरीज़ में कनेक्टेड है तो मैं क्या कह सकती हूँ इट इज़ सीरीज़ कॉम्बिनेशन फोर आइडेंटिकल यूनिट्स ओके अगर मैं इसको एक यूनिट ले लूं तो फोर आइडेंटिकल यूनिट्स का सीरीज कॉम्बिनेशन है तो मैं क्या करती हूँ पहले मैंने एक यूनिट सपोज कीजिए इसको ले लिया ठीक है एक यूनिट का मैं इक्वलेंट रेजिस्टेंस निकाल देती हूँ देखिए वन ओम वन ओम टू ओम टू ओम तो कैसे निकालेंगे इसका इक्वलेंट रेजिस्टेंस वन ओम वन ओम जो है सीरीज में ठीक है तो इनका इक्वलेंट टू ओम हो गया टू ओम टू ओम सीरीज में तो इनका इक्वलेंट कितना हो गया मेरा फोर ओम हो गया और उसके बाद टू ओम एंड फोर ओम किस में हो गए मेरे पार्लल में तो जो नेट इक्वलेंट है वो मेरा टू इन फोर अपॉन टू प्लस फोर दैट इज़ एट अपॉन सिक्स विच इज़ फोर बाई थ्री ओम ये मेरा क्या निकल गया इक्वलेंट रेजिस्टेंस निकल गया वन यूनिट का एक यूनिट का इक्वलेंट रेजिस्टेंस अब मेरा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल फोर यूनिट्स वो किस में है सीरीज़ में है तो टोटल रेजिस्टेंस कितना निकल जाएगा एन आर अभी अभी हमने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में फार्मूला देखा था सीरीज़ कॉम्बिनेशंस के लिए नेट इक्वलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अगर एन आइडेंटिकल रजिस्टर सीरीज में रखे हों तो एन आर पैरल में हो तो वो क्या हो जाता है आर अपॉन एन ठीक है सो एन आर तो कितने हैं फोर यूनिट्स हैं और एक का जो इक्वलेंट है वो फोर बाय थ्री है सो so, जो नेट टोटल रेजिस्टेंस हो गया मेरा वो कितना हो गया सिक्सटीन अपॉन थ्री ओम सो हमें इसका सेकेंड पार्ट है सी का सेकेंड फिगर हमें ये गिवन है इसका मुझे इक्वलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है बहुत सिंपल है आप देखेंगे कि ये सारे रजिस्टर्स किस में कनेक्टेड है सीरीज़ में कनेक्ट है क्यों सीरीज़ में कनेक्ट है आपको लग रहा है कि जैसा कि दिखने में कि दूर से के पैरेलल में है बट हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या है सेम करंट जा रहा है करंट जो होगा हमारा हर रजिस्टर के क्रॉस सेम करंट फ्लो होगा से ऑल फाइव आर कनेक्टेड इन सीरीज तो बहुत सिंपल हो गया अब आपके पास सीरीज में इक्लेंट रेजिस्टेंस अगर से, आ, सेम रेजिस्टर सीरीज़ में कनेक्ट हो आइडेंटिकल रजिस्टर्स तो उसका इक्वलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है एन आर सो इसमें आपके कितने रजिस्टर्स कनेक्ट है फाइव तो आपका इक्वलेंट रजिस्टेंस क्या हो गया इसका फ़ाइव आर सो हमारे पास क्वेश्चन है थ्री पॉइंट टू वन करेंट ड्रॉन फ्रॉम अ ट्वेल्व वोल्ट सप्लाई इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ जीरो पॉइंट फाइव बाय इनफाइनाइट नेटवर्क शोन इन द फिगर ईच रजिस्टर हैज़ रजिस्टेंस ऑफ वन ओम ये हमारे पास इनफाइनाइट नेटवर्क है रजिस्टेंस का सो इसके थ्रू ट्वेल्व वोल्ट बैटरी जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो पॉइंट फाइव ओम है तो अगर हम लगा देंगे तो कितना करंट ड्रॉन होगा उस बैटरी से वो हमें कैलकुलेट करना है तो देखिए उसके लिए मुझे इसका इक्वलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा तो मैं सपोज कर लेती हूँ इसका इक्वलेंट रजिस्टेंस अगर एक्स है तो अब देखिए अब ये इनफाइनाइट सीरीज़ है तो इनफाइनाइट सीरीज है सेम यूनिट्स की इनफाइनाइट सीरीज़ है अगर मैं इसमें एक यूनिट ऐड या एक यूनिट सब्ट्रैक्ट भी कर लेती हूँ तो इस यूनिट इस इनफाइनाइट सीरीज पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा इस टाइप से आपने क्वेश्चंस जो हैं वो मैथ्स में भी डिफ्रेंशन में किए होंगे कि लाइक हमारे पास क्या है इनफाइनाइट सीरीज़ है जैसे कि अंडर रूट्स एक्स रेस टू पावर एक्स रेस टू पावर एक्स रेस टू पावर एक्स रेस टू पावर एक्स हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज़ है और उसका हम डेरेवेटिव करते हैं सो so, हम कंसिडर कर लेते हैं कि अगर उसमें से एक यूनिट हम निकाल भी लेते हैं तो भी उसका डेरिवेटिव वही रहेगा सेम वही कॉन्सेप्ट लगाकर हम यहां पर एक्स है, और अगर मैं इसमें एक यूनिट और एक्स्ट्रा भी एड इस तरह से कर देती हूँ ठीक है तो इसके इक्वलेंट रजिस्टेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा ठीक है अगर इसका इक्वलेंट रजिस्टेंस जो है एक्स है और और मैंने उसमें एक यूनिट और एक्स्ट्रा ऐड कर दी ठीक है तो इसके इक्वलेंट रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो अब देखिए हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं लेट जो इसका इक्वलेंट रजिस्टेंस जो है इक्वलेंट रजिस्टेंस ऑफ गिवन सर्किट ठीक है इज एक्स एक्स इक्वलेंट रेजिस्टेंस है अब वो इक्वलेंट रेजिस्टेंस एक्स है उसमें मैंने सेम जो यूनिट थी एक यूनिट एक्स्ट्रा ऐड कर दी तो उसके इक्वलेंट रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा अब देखिए इस सर्किट का कॉम्बिनेशन आर इक्वलेंट निकालिए कैसे निकालेंगे एक्स एंड वन ओम जो है आर इन पैरल सबसे पहले ये देखिए तो हम क्या कह सकते हैं तो इनका जो आर डैश है आर इक्वल इन दोनों का वो क्या निकल जाएगा एक्स इन टू वन अपॉन एक्स प्लस वन राइट अब हम कह सकते हैं आर डैश वन ओम एंड वन ओम आर इन सीरीज जब इसका और इसका आर डैश इक्ुलेंट रजिस्टेंस हो गया अब हम कह सकते हैं अब हमारा कैसा बन जाएगा हमारा सर्किट कुछ इस तरह से बन जाएगा ठीक है ये मेरा आर डैश हो गया ये वन ओम एंड ये वन ओम तो आर डैश वन ओम एंड वन ओम इसका इसका इक्वलेंट आर डैश वन ओम वन ओम किसमें है मेरे तीनों सीरीज में है तो जो इसका इक्वलेंट रेजिस्टेंस है वो मेरा क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा x अपॉन एक्स प्लस वन प्लस वन प्लस वन एंड दैट आर इक्वलेंट शुड बी इक्वल्स टू वट एक्स दैट इज दैट शुड भी इक्वल टू एक्स क्योंकि अगर मैंने इसमें एक यूनिट ऐड भी कर दी तो भी इसका इक्वलिन रजिस्टेंस मेरा एक्स ही होना चाहिए अगर मेरा इस इनफाइनाइट सीरीज का इक्वलेंट रजिस्टेंस एक्स है तो ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा समझना होगा ये मैंने इक्वलेंट रजिस्टेंस निकाला ये मेरा इक्वलिन रजिस्टेंस कितना आ गया ये मेरा इक्वलिन रजिस्टेंस आ गया एक्स प्लस एक्स प्लस टू प्लस टू बट इसका तो इक्वलेंट रेजिस्टेंस तो पहले से ही एक्स है ना ये एक यूनिट ऐड करने पे भी उस इनफाइनाइट सीरीज का इक्वलेंट रेजिस्टेंस तो एक्स ही रहेगा जो कि मैंने स्टार्टिंग uh, में लेट किया था कि इस इनफाइनाइट सीरीज का इक्वलेंट रेजिस्टेंस एक्स है तो उसमें मैंने सिर्फ एक यूनिट ऐड कर ली या एक यूनिट सब्ट्रैक्ट भी कर लूँ तो उसका इक्वलेंट रेजिस्टेंस एक्स ही रहेगा तो इसका इक्वलेंट रेजिस्टेंस तो पहले से ही एक्स है तो दोनों इक्वेशन को अगर मैं इक्वलेट इक्वेट करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी कैसे फॉर्म होगी एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई किया है मैंने ओके okay, सो so ये हो जाएगा मेरे पास क्या हो जाएगा थ्री एक्स प्लस टू इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू इक्वल्स टू ज़ीरो सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो अब मैं इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करूँगी कैसे सॉल्व कर सकती हूँ एक्स इजिकल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ओ सी फोर ए सी फार्मूला मेथड यूज़ करेंगे यहाँ पर नहीं तो अगर आप भूल गए हैं ये तो ये फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए जो जो टेंथ में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्मूला जो है वो यूज़ किया था ओके अच्छा यहाँ पे जो मेरा क्वाड्रेटिक है आई थिंक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक सेकेंड ये माइनस थ्री एक्स होगा सॉरी लिटिल मिस्टेक हुआ है यहाँ पर सो दिस विल बिकम माइनस टू एक्स हो जाएगा अब आप सब्स्यूट कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा बी आपका माइनस टू है तो वो टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स फोर फोर माइनस फोर इंटू बी स्क्वायर फोर है और ये माइनस फोर ए सी तो फोर इंटू टू हो जाएगा अपॉन टू ए ठीक है सो टू ए तो टू बस ये सिंपल क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला पुट कीजिए ए बी सी आपको पता है ए वन है बी माइनस टू है सी माइनस टू है ठीक है तो क्या हो जाएगा मेरा एक्स इजिकल्स टू टू प्लस माइनस अंडर रूट एट प्लस फोर ट्वेल्व अपॉन टू सो so, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ प्लस माइनस टू रूट थ्री लिख सकती हूँ अपॉन टू सो एक्स इजिकल्स टू वन प्लस माइनस रूट थ्री ओके ये लिख सकती हूँ इसको तो x की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी वन प्लस वन पॉइंट सेवन थ्री टू अगर मैं माइनस लूँगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी वो पॉसिबल नहीं है तो टू पॉइंट सेवन थ्री टू ओम ये मेरा इक्लेंट रेजिस्टेंस आ गया अब तो बहुत सिंपल है अब कुछ नहीं है आपके पास इक्वलेंट रजिस्टेंस आ गया आपको करेंट निकालना है करेंट हमें पता है इजिकल्स टू आर प्लस आर ई अपॉन आर प्लस आर होता है सो वोल्टेज आपको ट्वेल्व दिया हुआ है रजिस्टेंस आपका टू पॉइंट सेवन थ्री टू आया और इंटरनल रजिस्टेंस जीरो पॉइंट फाइव गिवन है सो ट्वेल्व अपॉन इसको ऐड करेंगे टू पॉइंट सेवन थ्री सेवन हो जाएगा और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा थ्री पॉइंट सेवन वन थ्री सॉरी एम्पियर ठीक है तो यही हमें पूछा था क्वेश्चन में कि डिटरमाइन द करेंट ड्रॉन फ्रॉम ट्वेल्व वुल सप्लाई ओके सो वो हमने टोटल करेंट निकाल दिया तो इस तरह से हमने इस इनफाइनाइट सर्किट का पहले इक्वलट रेजिस्टेंस निकाला कुछ हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का भी यूज़ किया यहाँ पर तो फार्मूला मैंने पूरा मेंशन कर दिया है कैसे हुआ एंड फिर उसके बाद मैंने करेंट कैलकुलेट किया So, here we have finished till question 3.21. So, from 3.22 onwards, you will learn our next episode. So, till then, keep practicing.